अगले वर्ष 15 जनवरी से शुरू होने वाले कुंभ मेले की तैयारी में पूर्वोत्तर रेलवे अपने यात्रियों को सुविधा देने के लिए कमर कस चुका है। कुंभ मेले के लिए पूर्वोत्तर रेलवे सभी अच्छे स्टेशनों के लिए 360 विशेष कोचों से लैस 112 जोड़ियां गाड़ियां चलाएगा। इस दौरान यात्रियों की पूरी जिम्मेदारी रेल प्रशासन की होगी। यात्रियों के स्वास्थ्य से लेकर सुरक्षा तक की सारी जिम्मेदारी रेल प्रशासन लगभग पूरी कर लिया है। इस दौरान यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए सभी मुख्य जगहों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्य जनसंपर्क अधिकारी संजय यादव ने कहा, देखिए तीनों रेलवे, उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे, ये तीनों रेलवे मिलकर इस बार कुंभ के लिए लगभग 800 स्पेशल गाड़ियां चलाएंगे। इन 800 में से 112 जोड़ी गाड़ी, जोड़ी मतलब जो कुंभ के लिए, कुंभ के छह स्टेशनों के लिए जाने वाली गाड़ियां और वहां से चलने वाली विभिन्न स्थानों के लिए 112 जोड़ी गाड़ियां पूर्वोत्तर रेलवे चलाएगा। इसके लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने 360 कोचेज की डिमांड की थी बोर्ड से और लगभग हमारे पास सभी कोच आ गए हैं, तो 112 जोड़ी गाड़ियां हम चलाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि अर्धकुंभ में इस बार 6 स्नान हैं। पहला स्नान 15 जनवरी को मकर संक्रांति का है, पौष पूर्णिमा का 21 जनवरी को, मौनी अमावस्या को 4 फरवरी को, बसंत पंचमी 10 फरवरी, माघी पूर्णिमा 19 फरवरी और महाशिवरात्रि 4 मार्च को। तो इसके लिए पूर्वोत्तर रेलवे जो है विभिन्न तिथियों पर इन स्नान से पहले और इनके बाद तक गाड़ियां चलाएंगे ताकि अधिक से अधिक यात्री जो है, जो स्नानार्थी हैं और जो कुंभ मेला के मेलार्थी हैं, वो कुंभ में पहुंच सकें और वहां से फिर अपने अपने गंतव्य को जा सकें। तो इसके अलावा जो है, हमने हमारे दो स्टेशन जो है वो मुख्य रूप से कुंभ के स्टेशन हैं, इसमें एक तो झूसी है और दूसरा है अलाहाबाद सिटी, इन पर हमने बड़े पैमाने पर तैयारियां की हैं। इन सब दोनों स्टेशनों पर बड़े बड़े यात्री बाड़े बनाए जाएंगे जिनमें कि यात्री जो है रात में ठहर सकते हैं और वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था और अन्य खाने पीने की व्यवस्था, अन्य सभी व्यवस्थाएं वहाँ पर की जाएंगी। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने इस बार पहली बार इन दोनों स्टेशनों पर बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं जिनकी 24 घंटे मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम में होगी ताकि यात्रियों की सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक ना हो और इनसे यात्रियों को कहां पर तकलीफ हो रही है, कहां भीड़ ज़्यादा हो रही है उस पर भी एक नज़र रखी जा सकेगी ताकि तुरंत जो है सुरक्षा कर्मियों को भेजकर वहां पर जाम खुलवाया जा सके। इसके अलावा जो है बड़ी संख्या में हम लोग मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ डिप्यूट करेंगे। दोनों स्टेशनों पर एम्बुलेंस उपलब्ध रहेंगी और बड़ी संख्या में पैरामेडिकल स्टाफ रहेंगे जो कि कोई भी अगर कोई किसी स्नानार्थी को या मेलार्थी को अगर ज़रूरत पड़ती है किसी प्रकार की चिकित्सकीय सहायता की तो उसके लिए ये लोग रहेंगे। इसके अलावा जो कुंभ से अन्य जो कार्य हैं, हम लोगों ने बहुत सारे काम कर दिए हैं। जो झूसी में जो काम कर दिए, जो किए जाने थे जिसमें कि हाइड्रेंट कोचों में पानी भरने की व्यवस्था इत्यादि और ट्रैक को सुदृढ़ करने की व्यवस्था और प्लेटफार्मों के चौड़ीकरण इत्यादि व्यवस्था, वो सब पूर्ण कर लिए गए हैं। अलाहाबाद सिटी में भी हमने सारे कार्य पूर्ण कर लिए हैं। जो एक अलाहाबाद के सिटी के पास एक ROB संख्या, जो LC संख्या T1B थी, उस पर एक रोड ओवर ब्रिज बनना था, वो रोड ओवर ब्रिज बना के हम लोगों ने पूर्ण कर लिया है। इसमें जो है रेलवे पोर्शन रेलवे ने बनाया था और अप्रोचेस जो हैं वो ब्रिज कॉरपोरेशन ने बनाया था, वो हमने पूर्ण कर लिया है। दो RUB अधोगामी जो पुल थे उनको चौड़ा किया जाना था। एक RUB संख्या 116 जो सोबतिया बाग के पास था, इसको भी हमने चौड़ा कर लिया है। एक RUB संख्या 120 है दारागंज के पास, इसको भी हमने पूर्ण कर लिया है। तो बड़ी जो रेलवे से संबंधित जो भी कार्य थे वो पूर्ण कर लिए गए। अलाहाबाद सिटी में एक नया फुट ओवर ब्रिज, पैदल उपरिगामी पुल बनाना था, वो भी हमने बना के तैयार कर लिया है।
तो हमारे जो रेलवे के जो काम हैं वो सभी हम लोगों ने पूर्ण कर लिए हैं, और इससे हम उम्मीद करते हैं कि हमारे यात्रियों को और जो स्नानार्थी हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। कौन से प्लेटफॉर्म से ज़्यादा गाड़ियाँ निकलेंगी? सभी प्लेटफॉर्म से, वो गाड़ियाँ तो उस समय कुंभ में तो सभी प्लेटफॉर्म से हम लोग लगातार गाड़ियाँ चलाएंगे, तभी हम लोग जो है कुंभ के जो स्नानार्थी हैं और मेलार्थी हैं उनको वहाँ से हम लोग निकाल सकेंगे।